तो आज का अपना टॉपिक है मैथ, क्योंकि अपने पास हर क्लास के बच्चे, सिक्स सेवन एट के बच्चे भी हैं, नाइन्थ के शायद भी नहीं आए, आप बोल रहे हो वो बाद में आएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन मैथ्स हम जब भी पढ़ते हैं, तो अभी अपना जो मेन कॉन्सेप्ट था ये था कि हमको आज मैथ्स पढ़ना था और बेसिक्स पढ़ने थे। तो मैथ्स की जो शुरुआत होती है वो होती है किस चीज से, बताओ मेरे को, मैथ्स में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहला नंबर, नंबर। वेरी गुड, वेरी गुड। सो संख्या भी बोलते हैं उसको, अंक भी बोलते हैं उसको, नंबर। तो मैथ्स पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट ये है कि आपको नंबर्स की समझ होनी चाहिए। नंबर्स बहुत तरीके के होते हैं, तो हम अभी सारा पढ़ेंगे कि कौन से नंबर्स होते हैं। ठीक है, मेरे को उनके मराठी वर्ड्स पता है कि उसको क्या बोलते हैं, मराठी इतना पता है मेरे को, लेकिन अंदर तक का मराठी मेरे को नहीं पता है, सिर्फ नाम पता है मराठी में। ठीक है, ओके। अब मेरे को एक बात बताओ कि आप में से कौन मेरे को बताएगा नंबर्स कौन से टाइप्स के होते हैं। मतलब पहली बात तो देता हूँ, नंबर्स का हम यूज कहाँ करते हैं, मतलब नंबर्स क्यों पढ़ते हैं अपन, किसी को आइडिया है इस बात का, कोई बताना चाहता है मेरे को कि नंबर्स हम क्यों? हमें अगर कौन सी चीज खरीदी करनी है तो पैसे देने पड़ते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि 10 रुपए मतलब कितने, 100 मतलब कितने, 1000 मतलब कितने। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये हो अपना कुछ भी, जैसे मान लो आपके स्कूल में एग्जाम्स हो रहे हैं, उसमें जो नंबर आते हैं वो भी समझ में आने चाहिए, नंबर कितने कितने में से कितने नंबर आए, है ना? हाँ। एग्जाम था आपको, 40 नंबर आए, 30 नंबर आए, 50 नंबर आए, तो उससे हमको पता पड़ेगा कितने परसेंटेज मार्क्स आए अपने। फिर हम जैसे अपने लोग कुछ भी खरीदते हैं, अपनी सैलरी कितनी है, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, आपके एनजीओ में कितने बच्चे हैं टोटल, कितने टीचर्स हैं टोटल, कितना स्टाफ है टोटल, उसमें कितने लेडीज हैं, कितने जेंट्स हैं, ये सब चीजें जो भी हम बातें करते हैं जनरल लाइफ में, वो सब बातें अपनी नंबर से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, अब तो उसमें सबसे खास बात है वो ये है कि जो नंबर्स का जो सबसे बेसिक टाइप होता है वो होता है नेचुरल नंबर्स, यानी कि नैसर्गिक संख्याएं, जो आपके मराठी में इसको बोलते हैं नैसर्गिक संख्याएं, उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो मैं लिखता हूं नेचुरल नंबर्स या फिर नैसर्गिक संख्या, है ना? हाँ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो भी नंबर हमको नेचुरली आते हैं, जब भी मैं आपको बोलूंगा, अगर आपने घर में कोई भी सामान रखा हुआ है, मान लो अपने घर में एप्पल्स रखे हुए हैं, अब मैं आपको बोलूंगा कि एप्पल्स को काउंट करो, या मेरे पास टॉयज हैं उनको काउंट करो, बच्चे हैं उनको काउंट करो, कैसे काउंट करोगे आप हमेशा? 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते हैं ना काउंट। हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको ये नंबर नेचुरली आते हैं, ये हमारे अंदर से जब भी हम काउंटिंग शुरू करते हैं हमको वो नंबर हमेशा नेचुरली ही आते हैं, इसलिए सबसे बेसिक जो नंबर का टाइप होता है वो यही होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है यही? हाँ, उसको हम नैसर्गिक बोलते हैं, नेचुरल बोलते हैं, नैसर्गिक का मतलब भी मराठी में नेचुरली होता है, मतलब ये हमको नेचुरली आते हैं। हम किसी से बात करेंगे, हमको कोई बोलेगा काउंटिंग शुरू करो, तो हम हमेशा काउंटिंग 1, 2, 3, 4, 5 से ही शुरू करेंगे, इसलिए इसको अपन नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब आती है बात होल नंबर की, किसी को पता है होल नंबर को मराठी में क्या बोलते हैं? होल नंबर एग्जाम्पल दो ना सर। पूर्ण संख्याएं क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या, बस इसमें एक ही फर्क होता है नेचुरल नंबर में और होल नंबर में, एक ही फर्क होता है, वो होता है कि उसमें जीरो एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। क्या होता है एक्स्ट्रा उसमें ऐड? जीरो, यानी कि 10, 20। नहीं 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 नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वन से पहले जो जीरो है ना, जैसे यहाँ पे हमने शुरुआत की थी वन से। हाँ नेचुरल नंबर जो अपने शुरू हो रहे थे वन से शुरू हो रहे थे और वो चलते आ रहे थे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने पढ़ने पढ़ते रहो, अपनी मर्जी, जितनी हमको डिजिट आती है अब उतने नंबर पढ़ सकते हो, सब नंबर क्या है नेचुरल नंबर। बस एक ही फर्क है होल नंबर नेचुरल नंबर में, उसमें एक एक्स्ट्रा जीरो आ जाता है। क्या जाता है? एक्स्ट्रा जीरो, पहले वो आ जाता है एक्स्ट्रा जीरो, तो क्या बोलते हैं वो कंप्लीट हो गए नंबर, मतलब पहले वन से पढ़ रहे थे हम जीरो से पढ़ रहे हैं तो अपने पूर्ण हो गए। तो जीरो सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है नेचुरल और होल में, वो होता है जीरो का। अब आपको किसी को पता है व्हाट आर इंटीजर्स? सुने आपने इंटीजर किसी ने? नहीं। आपके सिक्स क्लास में है वैसे, तो मैंने मराठी का सिलेबस देखा था क्लास से पहले, इसको बोलते हैं हिंदी में पूर्णांक। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? हाँ, पता है सर। पूर्णांक,
राइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं आ रही है इस पे, लेकिन अब ऐसी ही है बेटा। उसमें सिर्फ एक ही चीज होती है, उसमें क्या होता है कि जो हमने यहाँ पढ़े नंबर 1, 2, 3, 4 पढ़े, 0 पढ़े, इसमें हम नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नेगेटिव नंबर्स, मतलब कि -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगर मैं आपको समझाऊं इसमें थोड़ा तब से आप देखोगे, अगर आप तो देखो यहाँ पे शुरुआत हुई 1 से, यहाँ पे शुरुआत हुई 0 से, यहाँ पे हम और उल्टा चले गए, हम इस तरफ चले गए, हम 0 के और इस तरफ चले गए, और -1, -2, -3 ये भी ले लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर तो है ही, ये बात सही है? हाँ। समझ में आ रहा है ना बात तुमको ये बात? हाँ, जितने भी होल नंबर्स हैं वो इंटीजर्स भी हैं, ये बात सही है? हाँ। और इंटीजर में एक्स्ट्रा नंबर कौन सा आ गया? -1, -2, -3, -4। तो यही फर्क है, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इंटीजर्स माइनस से भी शुरू होता है, -5, -4, -3, -7, जितना भी जाना है हमको, जितनी मर्जी है अपनी उतनी मर्जी हम जाके जा सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ जगह कम हो गई तो हम इसमें अगला वाला पहले एक बार उसका वो ले लेता हूँ, स्नैपशॉट ले लेता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे इसके। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसके आगे कुछ नंबर होते हैं, जैसे होता है एक फ्रैक्शन, सुना है ना फ्रैक्शन? जैसे बोलते हैं ना अपन 1/2, हाँ हाँ अपूर्णांक, 3/4, क्या बोलते हैं उनको? अपूर्णांक, अपूर्णांक। ये मैं आपकी बात मान रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं सर, ठीक है? ये हो गया फ्रैक्शन। फिर होते हैं डेसिमल्स, क्या होते हैं? जैसे मैं लिखा 1.5, 0.25, 7.5, तो ये नंबर लिखने के अलग अलग तरीके हैं। फ्रैक्शन में ऐसे लिखते हैं अपन a/b, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो नीचे वाला नंबर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्या इंपॉर्टेंट चीज है इसमें? नीचे वाला नंबर जो है वो जीरो होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वो नहीं पता, लेकिन जो नीचे के नंबर होते हैं ना, ये वाले नंबर्स, इनको अपन बोलते हैं डिनोमिनेटर्स, और ये जीरो नहीं होने चाहिए। तो ये होते हैं फ्रैक्शंस। क्या होते हैं? फ्रैक्शंस। ऊपर वाले नंबर हैं वो अपने होते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या होते हैं ऊपर वाले? नेचुरल नंबर्स। अब आपने वो सुना है कभी रैशनल नंबर? सुना है रैशनल नंबर? मराठी में क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर भी फ्रैक्शन से होता है। उसमें फर्क क्या होता है कि ऊपर आपका जो न्यूमरेटर है वो एक्चुअली इंटीजर होता है। न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कोई भी होता है, वो आपका इंटीजर होता है, नेचुरल नंबर नहीं होता। क्या होता है? इंटीजर। जो पढ़ा था ना लास्ट में, अभी नेगेटिव नंबर होते हैं, मतलब कि इसमें 1/2 भी होता है और -1/2 भी होता है। इसमें 2/-3 भी होता है, -4/5 भी होता है। इसमें माइनस नहीं आ रहा, दिख रहा है आपको? हाँ। इसमें माइनस नहीं आ रहा, इसमें माइनस आ रहा है, बाकी सब सेम होता है। और डिनोमिनेटर इसमें भी इक्वल टू जीरो नहीं होता कभी भी। तो नीचे वाला नंबर है वो कभी भी जीरो से इक्वल नहीं हो सकता। उसका रीजन क्या है कि अगर वो नंबर मैंने जीरो से इक्वल कर दिया तो मैं किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकता। उसको बोलते हैं अनडिफाइंड। क्या बोलते हैं उसको? परिभाषित। अनडिफाइंड मतलब उस नंबर को मैं डिफाइन ही नहीं कर सकता। मैं किसी को भी उसका मतलब क्या रखना चाहता हूँ, मतलब थोड़ा लॉजिकली समझते हैं इस चीज को। जैसे मान के चलो कि मैंने बोला कि मेरे पास 4 चॉकलेट हैं और 4 बच्चों में देनी है, तो मैं क्या करूंगा? 4/4 करूंगा, इतना आता है हमको।
डिवीजन कब करते हैं, मल्टीप्लाई कब करते हैं, हमको पता है ना ये बात बच्चों? हाँ सर, तो अगर मैं बोलूंगा कि जीरो बच्चे हैं तो आप डिवाइड कर पाओगे उसको? नहीं। तो वही, तो जो नीचे अगर मैंने डिनोमिनेटर में जीरो लिख दिया, मतलब क्या हुआ कि मैं डिवाइड कर रहा हूँ जीरो से, और डिवाइड जीरो से हम किसी भी नंबर को नहीं कर सकते दुनिया में, इसलिए उसको बोलते हैं अनडिफाइंड। इसलिए हमेशा जब भी आपके नंबर ऐसे फॉर्मेट में होते हैं जहां पे एक न्यूमरेटर होता है ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर होता है, वहां पे डिनोमिनेटर कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता, क्योंकि जैसे ही डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा वो नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा, उस नंबर को हम डिफाइन नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात आपको? हाँ सर, हाँ सर, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं, मैं उसके आगे नहीं जाऊंगा, उसके आगे जाऊंगा शायद आपके सिलेबस में नहीं होगा, लेकिन आपको इवन ऑड पता है? व्हाट आर इवन नंबर्स, व्हाट आर ऑड नंबर्स? इवन ऑड, हाँ सर पता था। जिस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आए वो हमेशा इवन नंबर होता है, जो कि 2 से डिवाइड हो जाता है, जो कि 2 से डिवाइड होता है उसको अपन बोलते हैं इवन नंबर। अगर मैंने बोला आपको 98, लास्ट में क्या है इसके? क्या नंबर बोला? 98, लास्ट में क्या है इसके? 8 है ना? 8 है, 8। तो मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड होता है। जिस भी नंबर की यूनिट डिजिट, व्हाट इज यूनिट डिजिट? पहली डिजिट होती है ना ये, हाँ। वो 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो नंबर हमेशा क्या होता है? इवन नंबर। अब इवन को क्या बोलते हैं मराठी में वो मेरे को नहीं पता है, लेकिन आपको शायद पता होगा, इवन, इवन नंबर को हिंदी में बोलते हैं उसको सम विषम संख्या। एक सेकंड रुक जाओ, मैं चेक कर लेता हूँ, आपको नहीं पता है तो। Even. बोलते हैं क्या बोलते हैं, सम संख्या या फिर अगदी अगदी और को बोलते हैं विषम संख्या। क्या बोलते हैं? विषम संख्या। मतलब इसमें डिफरेंस एक ही फर्क है, इवन और ऑड में एक ही फर्क है कि ये 1, 3, 5, 7, 9 लास्ट में आएगा और ये नॉट डिविजिबल बाय 2 होता है, ये डिवाइड 2 से डिवाइड नहीं होता, उसे डिवाइड नहीं होता। जैसे कि 57, इसमें लास्ट में क्या नंबर है? 7। जो हाँ, 7 जो है, जब भी किसी के लास्ट में 7 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 9 आएगा, वो कभी भी 2 से डिवाइड नहीं हो। तो ये नंबर हमेशा क्या हो गया? अपना ऑड नंबर। इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं विषम संख्या, इसको बोलते हैं सम संख्या। अभी ये क्लियर है पांचों नंबर आपको? फ्रैक्शन क्या होते हैं, डेसिमल रैशनल नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं? क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, अगर हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो हमको नंबर समझना बहुत जरूरी है, नंबर किस किस टाइप के होते हैं और कैसे कैसे काम करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आपको, मैं टाइम दे रहा हूं आपको, आप सोच लो और बताओ मेरे को। मैं दोबारा रिपीट करता हूं एक बार और, फ्रैक्शन मतलब कोई भी नंबर को हम ए बाई बी की तरह लिख सकते हैं, लेकिन जो नीचे नंबर होता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो जीरो नहीं होता है, और जो न्यूमरेटर होता है वो नेचुरल होता है, नेचुरल नंबर होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, माइनस नहीं आते हैं इसमें। रैशनल नंबर में माइनस भी आ सकते हैं, और जो न्यूमरेटर होता है वो इंटीजर होता है। क्या होता है? इंटीजर का फर्क पहले सीख चुके हैं लास्ट वाले पेपर में। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर इंटीजर नंबर्स? नेचुरल नंबर मतलब 1, 2, 3, 4, 5, इंटीजर मतलब -1, -2, -3 भी आते हैं उसके अंदर, राइट? हाँ। और डेसिमल हमेशा ऐसे रखते हैं अपन, 1.5, 2.5, 0.25, वो जो भी नंबर डेसिमल, जैसे ये जब मैंने पॉइंट लगा दिया यहाँ पे वो हो गया अपना डेसिमल नंबर। इवन नंबर जो है वो डिविजिबल बाई 2, और ऑड नंबर जो है वो डिविजिबल बाई 2 नहीं होता। यूनिट डिजिट होती है, जो उसकी यूनिट डिजिट होती है, मैं लिखता हूँ यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट वो हमेशा 0, 2, 4, 6, 8 होती है इस केस में, इवन नंबर के केस में। ऑड नंबर केस में होती है 1, 3, 5, 7, 9। ये क्लियर है हमको एकदम? हाँ, हाँ सर, वेरी गुड। तो मैं
अपन थोड़े से क्वेश्चन आंसर करते हैं, करें पहले क्वेश्चन से पहले मैं कुछ एक और समझा देता हूँ। जो जैसे मान के चलो कि अपने नंबर्स ये हैं, कि पूरा गोला अपने क्या है, नंबर्स हैं, क्या है ये नंबर्स, नंबर तो सबसे छोटा क्या हो गया इसमें, नेचुरल नंबर, ये हो गया नेचुरल नंबर 5। जैसे ही मैं इसमें जीरो ऐड कर दूंगा ये बन जाएगा होल नंबर, जीरो ऐड करने के बाद होल नंबर। मैं इसमें नेगेटिव नंबर ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, इंटीजर्स, क्या बन जाएगा बेटा, नेगेटिव नंबर भी आ जाएगा। और उसके ऊपर जाएंगे अपन तो हमको फ्रैक्शन रैशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, अपन बात कर रहे थे यहाँ कि अगर मैं बात करूं नंबर की, नंबर क्या हो गए अपने, एक तो इवन हो गए या फिर ऑड। अब इसमें एक और चीज होती है, जो ऑड नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर भी होते हैं, उसमें कुछ नंबर प्राइम भी होते हैं। प्राइम मतलब क्या होता है कि वो नंबर भी डिवाइड नहीं होता, प्राइम नंबर जो है किसी और नंबर से सिवाय उस नंबर के और वन के किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता। जैसे मैं बोलूंगा आपको सेवन, तो सेवन वन से डिवाइड होता है, वन से डिवाइड सेवन, वन से चार नंबर डिवाइड होते हैं, राइट, ये पता है ना, वन से तुम कोई भी नंबर डिवाइड कर सकते हैं, है ना। और सेवन से होता है, टू से होता है डिवाइड, सेवन कभी पूरा पूरा नहीं, थ्री की टेबल में आता है सेवन कभी पूरा, हाँ आता है, थ्री की टेबल सेवन आता है, नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है, फोर की में भी नहीं आता, फाइव की में भी आता, सिर्फ सेवन वन की में आता है। ऐसे नंबर, ऐसे नंबर जो सिर्फ वन से डिवाइड होते हैं या अपने आप से डिवाइड होते हैं उसको अपन बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। क्योंकि इवन नंबर तो जो भी होगा वो टू से डिवाइड होगा ही होगा, है ना, तो प्राइम तो कभी होगा ही नहीं। ये क्लियर है आपको ये बात? हाँ, वेरी गुड। तो ये हो गया प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर समझना, जैसे जैसे एग्जांपल अगर आपको दूंगा मैं तो थ्री फाइव सेवन नाइन नहीं है प्राइम नंबर, नाइन थ्री की टेबल में आता है, इलेवन भी है, थर्टीन भी नहीं आता किसी टेबल में, फिफ्टीन आता है थ्री की टेबल में आता है, फाइव सेवनटीन नहीं आता, नाइनटीन नहीं आता, ट्वेंटी वन आता है, ट्वेंटी थ्री नहीं आता, ट्वेंटी सेवन आता है, ट्वेंटी फाइव आता है, ट्वेंटी नाइन नहीं आता, ये सब नंबर क्या है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। Only divisible by one and the number itself, जिस नंबर की बात कर रहे हैं उस नंबर से डिवाइड होगा और वन से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी और से डिवाइड, एंड द नंबर, यस, प्राइम नंबर क्या है, या तो वन से डिवाइड होगा या फिर अपने आप से डिवाइड होगा, या फिर अपने आप नहीं होगा, ये हो गया अपना प्राइम नंबर। तो आपको ये समझ में आ रहा है ना कि जो मैंने पढ़ाया, सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, उसके बड़ा होल नंबर है, उसके बड़ा इंटीजर है, उसके बड़ा रैशनल नंबर है। ठीक है, क्या बोल रहे बेटा, प्राइम का मतलब बताओ। प्राइम का मतलब ये होता है कि वो नंबर किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता, मतलब कि किसी और नंबर की टेबल में वो नंबर नहीं आता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको एट की टेबल आती है आपको, हाँ आती है, आती है, जो भी, तो टेबल का मतलब क्या होता है कि वो नंबर से डिवाइड होते हैं। जैसे मैं बोलूंगा एट टेबल में बोला कि एट वन जा एट, एट टू जा सिक्सटीन, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, एट फोर जा थर्टी टू, एट फाइव जा फोर्टी, एट सिक्स जा फोर्टी एट, ऐसे बढ़ूंगा। तो ये सब नंबर जो है एट की टेबल में आ रहे हैं, मतलब ये एट से डिवाइड होते हैं। ओके, टेबल में आने का मतलब ही होता है कि उससे डिवाइड होते हैं। तो जो भी नंबर किसी की टेबल में नहीं आते उसको अपन बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे थ्री जो है किसी की टेबल में नहीं आता सिवाय वन और थ्री के, ऐसे फाइव सिर्फ वन और फाइव की टेबल में ही आता है, नाइन लेकिन थ्री की टेबल में आता है, थ्री थ्री जा नाइन, राइट, तो नाइन जो है नहीं है क्योंकि वो थ्री से डिवाइड होता है। क्लियर हुआ बेटा आपको अभी, कि अभी डाउट है तुम्हारा? Clear. Clear है सर। Very good. तो क्या बता रहा था आपको कि हाँ,
तो ये अपने हो गए नेचुरल नंबर्स, उससे बड़ा होल नंबर, उससे बड़ा इंटीजर, उससे बड़ा रैशनल नंबर। अब आपने कभी सुना ये बात कि फ्रैक्शन को ओके तो ये पहले मैं जगह नहीं बचेगी अपने यहाँ पे, या मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, ओके बताओ मेरे को माइनस टू बाई थ्री ये कौन सा नंबर है? माइनस टू बाई थ्री फ्रैक्शन नहीं, माइनस टू, वन मिनट से, व्हाट इज माइनस टू बाई थ्री? नेचुरल नंबर है क्या? नहीं, होल नंबर है क्या? होल नंबर भी नहीं। इंटीजर है क्या? इंटीजर, इंटीजर हाँ नहीं, नहीं। रैशनल नंबर है क्या? रैशनल नंबर हाँ, रैशनल नंबर को लिखते ही ऐसे हैं अपन, कैसे लिखते हैं? P by Q, where Q is not equal to zero, and P and Q are integers. अभी पढ़ा था ना हमने जस्ट थोड़ी देर पहले, हाँ। नेगेटिव वाले फ्रैक्शन अगर आ गए तो वो हमेशा आपके रैशनल नंबर ही होंगे, क्योंकि नॉर्मल फ्रैक्शन में अपन नेगेटिव नंबर यूज नहीं करते हैं, ओके? और भी नंबर अपना ऐसे लिखा हुआ, मतलब एक नीचे एक ऊपर, तो वो कभी होल नंबर नहीं होगा, वो कभी नेचुरल नंबर नहीं होगा, वो कभी इंटीजर नहीं होगा। इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर वगैरह सब जो भी होते हैं वो ऊपर नीचे नहीं होते, वो एक ही नंबर होता है, वन टू थ्री, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव। वो कभी भी टू बाई थ्री नहीं होंगे, टू बाई थ्री बोलते ही वो फ्रैक्शन हो गया, ऐसा रैशनल नंबर हो गया। जैसे वो बाई लग गया ना बीच में, जैसे मैंने ऐसे कोई भी नंबर लिखा, मैंने ए बाई बी ऐसे लिखा, तो ये हमेशा या तो फ्रैक्शन होगा या रैशनल नंबर होगा। फ्रैक्शन कब होगा? जब ए और बी दोनों ही नेचुरल नंबर्स हैं तो होगा फ्रैक्शन, ए और बी दोनों ही इंटीजर्स हैं तो होगा रैशनल। रैशनल ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, क्लियर है बच्चों ये बात? हाँ सर। ओके, फाइव बाई सिक्स बताओ, फाइव बाई सिक्स, फाइव बाई सिक्स ये क्या है? फ्रैक्शन, तो ये फ्रैक्शन भी है और ये भी है, क्योंकि सारे फ्रैक्शंस जो हैं वो रैशनल नंबर होते ही हैं, है ना? हाँ। जैसे अभी हमने बात की, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं, ऐसे ही सारे फ्रैक्शन भी रैशनल नंबर होते हैं। उल्टा सही नहीं है, मतलब सारे रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होते, क्योंकि उसमें नेगेटिव भी आ जाता है ना? हाँ। ऐसे ही सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते, क्योंकि उसमें नेगेटिव भी आ जाता है। ऐसे ही सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि उसमें जीरो भी आ जाता है। तो हमको ये पता करना है कि छोटा कौन सा है, उससे बड़ा कौन सा है, उससे बड़ा कौन सा है, उससे बड़ा कौन सा है। तो नेचुरल नंबर, सारे फ्रैक्शन जो है रैशनल नंबर होते ही है, लेकिन सारे रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होते, क्योंकि उसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। क्लियर है? हाँ सर। सबको? हाँ। वेरी गुड। अच्छा, एक बात बताओ मेरे को कि अपन जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो रियल लाइफ में कहाँ पे यूज करते हैं? सुना, कभी दिखाया आपने? क्या तो नेगेटिव नंबर्स हैं अपने, हाँ, वो रियल लाइफ में कहाँ पे यूज करते हैं अपन? सोचो जरा। जो अपने नेगेटिव नंबर्स हैं उसको अपन रियल लाइफ में कहीं पे यूज करते हैं क्या? अच्छा चलो, आपको नहीं आ रहा है तो मैं बताऊं आपको। ओके, कभी आपने सुना है कि शिमला का टेम्परेचर कितना है? माइनस फाइव, माइनस थ्री, माइनस सेवन, सुना है? तो जो भी ठंडी जगह होती है जहां बर्फ जमती है, वहां पे हम नेगेटिव में ही टेम्परेचर बोलते हैं। जैसे आपने सुना हुआ कारगिल, सुना है आपने कारगिल, जहां पे लड़ाई हुई थी अपनी इंडिया में? हाँ, सुना है। वहां पे टेम्परेचर होता है माइनस थर्टी, माइनस फोर्टी,
-30.5 -28.5 ऐसा टेम्परेचर आता है उसमें में कारगिल में। तो जो भी ठंडी जो भी ठंडी होती है वहां पर टेम्परेचर हमेशा नेगेटिव में आता है, तो वहां पर अपन यूज करते हैं। दूसरी बात, कोई चीज जो है बहुत नीचे है तो वो पता नहीं है आपने कितना घूमा है दुनिया में, लेकिन कभी अपन जैसे जाते हैं ना कहीं अपन वालों बीच में गए या माउंटेन में गए, ठीक है, तो वहां लिखा होता है कि समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचा, समुद्र तल से 100 मीटर नीचा। सुना है आपने कभी ऐसा? हाँ सुना है। तो माउंटेन्स होते हैं वो हमेशा समुद्र तल से ऊंचे होते हैं, और बीचेस होते हैं जनरली समुद्र तल से नीचे होते हैं। तो जो नीचे वाली चीज होती है समुद्र तल से उसको बोलते हैं नेगेटिव नंबर्स। क्या बोलते हैं उसको? नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। अब मैं आपको बोलूंगी आपके पास 5 रुपए थे और सामान लिया 10 रुपए का आपने, तो आपके पास पैसे बचेंगे कि नेगेटिव में बचेंगे कि पॉजिटिव में बचेंगे पैसे, बताओ? आपके पास 5 रुपए हैं और सामान लिया 10 रुपए का आपने, आपके पैसे 5 रुपए है और 10 रुपए का सामान लिया, हाँ तो आप नुकसान में हो ना, मतलब आपके पास पैसे नहीं उतने देने के लिए। हाँ। मैं बोलूंगा 3 -5, तो क्या होगा 3 -5? माइनस से बहुत इजी है 2, सही बात है ना? हाँ। 3 -5 क्या होगा? माइनस 5। 5 -3 = 2। व्हाट इज 3 -5? नेगेटिव नंबर -2, क्योंकि इसमें 5 नंबर बड़ा है और 3 छोटा है। छोटे से बड़ा नंबर जब मैं माइनस करूंगा तो हमेशा मेरा आंसर माइनस में ही आएगा। हाँ, ये बात क्लियर है? हाँ। काम करते हैं, 7 -2 करते हैं, वो हो गया कितना बताओ? व्हाट इज 7 -2? 7 -2 = 5, राइट? हाँ। -7 टू माइनस माइनस क्या होगा? -5, क्योंकि अपन छोटे से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं, 2 से 7 को माइनस कर रहे हैं, 7 बड़ा है ना 2 से। हाँ। तो वो आंसर नेगेटिव में आएगा हमेशा, इसीलिए हम नेगेटिव नंबर पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें में सिंपल आंसर तरीका क्या करने का कि आपको पहले पता करना है कि इन दोनों डिफरेंस कितना है, तो वो तो डिफरेंस पता पड़ जाएगा आपको 7 -2 करके, लेकिन क्योंकि आप 2 -7 कर रहे हो तो आप इसमें एक्स्ट्रा माइनस लगा दोगे क्योंकि छोटे से बड़ा कर रहे हैं अपन। तो जब अपन सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, तो सॉल्व तो वैसे ही करते हैं अपन की व्हाट इज 7 -2, लेकिन हम उसमें माइनस एक्स्ट्रा लगा देते हैं क्योंकि हम छोटे से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं नंबर लाइन पे, ये नंबर लाइन है अपनी, ठीक है, ये बीच में 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। नंबर लाइन सुनिए ना आप लोगों ने, 6 है, यहाँ पे 7, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, ये देखा है आपने कभी पहले? देखा है। -4 है और -5 है। अब मैं बोल रहा हूँ 7 -2, क्या बोल रहा हूँ पहले, क्या बोल रहा हूँ 7 -2 कितना हो गया? 7 से 2 माइनस किया मैंने, 1 गया और 1 गया, क्या आ गया अपना आंसर? 5। अब मैं बोल रहा हूँ 2 -7, क्या बोल रहा हूँ कि 2 जो है जब 7 माइनस करने हैं तो मेरे वापस आना पड़ेगा 1, 2, 4, 5, 6 और 7, कितना आया आंसर? -5। वही आया अपना यहाँ पे नीचे आंसर। हाँ, लेकिन अब क्या है कि नंबर लाइन में हमेशा से अगर नंबर बहुत बड़े, मान लो मैंने बोला 87 -98, अब इसके लिए नंबर लाइन करेंगे बैठ के अपन? नहीं कर सकते ना, तो फिर क्या करते हैं इसको इजी करने के लिए, अपन करते हैं 9 बड़े से छोटा माइनस करते हैं, 98 -87 वो कितना आया? 8 -7 कितना हुआ? 1। 9 - 8 कितना हुआ? 1। ये तो पता है कि आंसर तो 11 आएगा, लेकिन वो -11 आएगा +7 आएगा वो पता कैसे पड़ता है कि हम छोटे से बड़ा माइनस कर रहे हैं या छोटा माइनस कर रहे हैं? इस केस में क्या
छोटे से बड़ा कर रहे हैं, बड़े छोटा कर रहे हैं माइनस, बड़े से छोटा किसके इसमें 87 माइनस कौन बड़ा है इसमें से, 87 बड़ा है 98 बड़ा है 98, तो छोटे से बड़ा माइनस कर रहा हूँ ना मैं। हाँ तो क्या होगा आंसर में, माइनस आएगा कि नहीं आएगा? माइनस 11। ये बात समझ में आपको ढंग से? हाँ पक्का? चलो एक और करते हैं फिर, 28 माइनस 39 ये करना है मेरे को, 28 माइनस 39। अब बताओ मेरे को क्या हुआ इसका आंसर, करो सॉल्व करो। माइनस 11। माइनस 11, वेरी गुड, माइनस 11, वेरी गुड। अब मैं बोलूंगा आपको 64 माइनस 32 तो क्या होगा, सिक्सटी फोर माइनस 32 क्या होगा आंसर, माइनस 32। सबका आंसर माइनस 32 आ रहा है? नहीं 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 प्लस 32। बताओ प्लस होगा माइनस होगा, बताओ क्या होगा? प्लस 32। क्यों होगा प्लस? क्योंकि बड़े बड़ी संख्या। हाँ अगर मैं बोलूंगा 32 माइनस 64 तो आंसर माइनस होगा, 32 माइनस हो जाएगा। यही बात तो समझ नहीं पड़ा हमको, यही तो कॉन्सेप्ट है कि नेगेटिव आंसर सिर्फ तब आता है जब हम छोटे से बड़ा नंबर माइनस करते हैं, बड़े से छोटा करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव। सिंपल लॉजिक है ना, देखो मेरे पास 10 उंगलियां हैं, ठीक है, हमको दो कम करनी है इसमें से। हाँ। तो ये जो आंसर है हमेशा पॉजिटिव में होगा वो। अब इसमें बोलूंगा इसमें से 10 माइनस करने कर पाऊंगा, कैन आई शो यू कि हाउ सबट्रैक्ट 10 फ्रॉम दिस नंबर, 10 है नहीं मेरे पास, कैसे नहीं कर पाऊंगा ना। तो माइनस को कभी हम विजुअली देख नहीं पाते हैं आंखों से, क्योंकि वो दिखता नहीं है हमको, वो सिर्फ नंबर लाइन पे होता है, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट है। तो जब भी आप किसी भी छोटे से बड़ा नंबर माइनस करते हैं आपका आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा, उसका कोई दिखा नहीं पाएगा। लेकिन सॉल्व कैसे करते हैं उसको, अपन सॉल्व करते टाइम पे हम हमेशा बड़े से छोटा माइनस करते हैं और फिर माइनस लगाते हैं उसके आगे, जो हमने यहाँ पे किया। तो क्वेश्चन तो क्या था, 87 माइनस 98, लेकिन हमने किया क्या एक्चुअली, 98 माइनस 87, और बाद में हमने लगा दिया नेगेटिव क्योंकि हमको पता है कि हम छोटे से बड़ा माइनस कर रहे हैं। ये बात क्लियर है आपको एकदम? हाँ सर। चलो एक और करते हैं फिर अपन, लेट्स डू दिस। 268 माइनस 479 करो उसको सॉल्व। आपको कैरी वाले सॉल्व करने आते हैं ना, कैरी फॉरवर्ड वाले माइनस करना आता है ना आपको? हाँ सर। करो फिर, वेरी गुड, डू दिस। माइनस 211। वेरी गुड बच्चों, माइनस 211। अब मैं एक और सवाल दे रहा हूं आपको, मैं बोल रहा हूं 865 माइनस 963 करो उसको। 100 माइनस 103। सोच लो एक बार। 102 गलत है बेटा, गलत है, दोबारा चेक करो एक बार। चेक इट वंस अगेन, आई विल बी बैक इन अ मिनट। हाँ आंसर क्या हुआ अभी बताओ दोबारा से? -98। माइनस क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि छोटे से बड़ा माइनस कर रहे हैं, ठीक। वेरी गुड, दोबारा इसका स्नैपशॉट ले लेता हूँ, नए पेज पे करते हैं अपन।
अपना मेन पॉइंट बेटा वही है कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया ना अपना तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक क्लियर हो गया तो बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए समझने के लिए। चलिए इसको मैं करता हूँ क्लियर, आप अपन थोड़ा और गेम खेलते हैं। चलो बताइए ये बात बताइए कि 2346 ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? सॉल्व थोड़ा करना, देख के बताना है तो सॉल्व क्या करोगे इसमें? देख के बताना है कि इवन है कि ऑड है, सॉल्व थोड़ा करना है। व्हाट इज इवन नंबर बताओ मेरे को दोबारा से। 2, 4, 6, 8 जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आएगा वो होगा इवन नंबर। तो ये नंबर कौन सा है बेटा? इवन। तुम तो ऑड बोल रहे थे। एक बोलता है सब बाद में साथ वाला शुरू कर देंगे कि इसने ऑड बोला, मैं ऑड बोलूंगा। ऑड ऑड होता है अपना दिमाग लगाना है हमको, हमको सुनना नहीं। तो तुम क्लास एक बार समझो, और ये हमेशा बता रहा हूँ तुमको, इस क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी के लिए भी, स्कूल में भी हो कहीं भी पढ़ रहे हो आप, जब आप स्कूल में क्लास में पढ़ रहे हो तो आपको ऐसा समझना है कि आप और टीचर के साथ में, बस बाकी कोई दुनिया में नहीं है। जिस दिन आपने सोच लिया कि क्लास में मैं और टीचर है और कोई नहीं है, आपके लिए लर्निंग बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि आपके जो भी क्वेश्चन है दिमाग में सीधे टीचर से पूछोगे। आप सोचोगे नहीं बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग करने जो कर रहे हो उनकी मर्जी, जो कर रहे हैं करने दो उनको, हमको भेड़ चाल नहीं चलनी है। और ज्ञान जब आपको अर्जित करना है, आपको नॉलेज लेनी है, तो आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ता है कि मैं और टीचर क्लास में है और कोई से मेरे कोई मतलब नहीं है, जो वो पढ़ा रहा है मेरे को समझ में, कोई भी टीचर हो, मैं हूँ, कोई भी और हो, फर्क नहीं पड़ता उस बात से। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जब भी क्लास में पढ़ो आप सिर्फ ये सोच के पढ़ो कि मैं और टीचर ही है, बाकी दोस्त वो सब जो भी बोल रहे हैं बोलने दो उनको, मेरे को वो फर्क नहीं पड़ता उस बात से, तभी सीख पाओगे आप। कैसा भी क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, फालतू क्वेश्चन आ रहा है, पूछो उसको। जब तक आपके अंदर से क्वेश्चन नहीं आएगा, आपके अंदर से वो उत्सुकता, वो क्यूरियोसिटी नहीं आएगी, आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञान की प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी है कि आपको जो भी क्वेश्चन आ रहा है, जो भी डाउट आ रहा है दिमाग में, जो भी चीज आ रही है, वो आप इमीडिएटली पूछ दो। कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम जो पूछ रहे हैं बहुत ही फालतू सवाल होगा, सबको आता है, सब हंसेंगे, आप भूल जाओ क्लास में बैठा हुआ है। अनम्यूट करो अपने आपको, हंस लिए हो गई, हंसी हंसी सब हो गई, सब मजा आ गया तुमको, ठीक है। अब बताओ इवन है कि ऑड है? सब बोल रहे इवन है पक्का कि इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं इवन कि असली में इवन है, असली में इवन है। 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये नंबर क्या है? इवन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये नंबर क्या है? Odd. 7, 6, 8, 5, 3, 4, 2, 1, 0, 9 ये नंबर क्या है? Odd. से क्या पता बड़ा, नंबर कितना ही बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क किसे पड़ता है? सिर्फ लास्ट डिजिट से। फर्क किसे पड़ता है? सिर्फ लास्ट डिजिट से। इतना ही बड़ा नंबर हो दुनिया में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यूनिट प्लेस से ही फर्क पड़ता है सिर्फ, ठीक है। अब बताओ मेरे को 29 जो है वो प्राइम नंबर है कि नहीं ये बताओ मेरे को। 29 हाँ, 29 सब अपना अपना आंसर देना और सोच समझ के देना, इसलिए मत देना कि बगल वाले को क्या है, ऐसा मत बोलना, सोच लो समझ लो फिर बताना मेरे को। अच्छा ओके ओके, एक सेकंड अपन शुरू करते हैं करके। तो बच्ची ब्लू शर्ट में बैठी है, बेटा लेफ्ट में बैठी एकदम, आप क्या बोलती हो नंबर क्या है, प्राइम है कि नहीं है? है कि हाँ या ना? Yes. ये क्या है, समझ नहीं आया मेरे को क्या है।
हाँ कि ना, समझ नहीं आ रहा, एक बार बताओ ना, मुझसे बोलो ना हाँ कि ना। है प्राइम। अच्छा पिंक वाली बच्चे और आप क्या बोल रही हो, प्राइम है कि नहीं है? प्राइम है। आपके साइड वाली बताओ बेटा, प्राइम है कि नहीं है? प्राइम नंबर ही है। ही है, प्राइम नंबर ही है। ओके, और जो बच्ची यहाँ बैठी हुई है इस तरफ है सर, प्राइम नंबर ही है। और जो इस तरफ बैठी है एक और, प्राइम नंबर ही है। ओके, क्यों प्राइम नंबर है बताओ मेरे को? किसी और नंबर की टेबल में नंबर नहीं है। ओके, टेल मी 49। प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 49 7 में टेबल में आता है। बहुत बढ़िया, वेरी 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 गुड, वेरी वेरी गुड। 63 नहीं, नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? इसे 3 से डिवाइड किया जा सकता। 3 से है ना, 3 की टेबल में ना। वेरी गुड, सॉरी मैं काटना था उसको, नहीं है राइट। तो अभी हमको समझ आ गया व्हाट इज इवन, व्हाट इज ऑड, व्हाट इज प्राइम। क्लियर है एकदम? यस, वेरी गुड। अब अपन बात करते हैं, अब मैं सोच रहा हूँ कि अगला टॉपिक क्या पढ़ाऊं आपको। मैं सोच रहा हूँ कि फ्रैक्शंस डेसिमल्स पढ़ाऊं कि फैक्टराइजेशन पढ़ाऊं, बताओ क्या पढ़ना है आपको? फैक्टराइजेशन पढ़ना है कि फ्रैक्शन डेसिमल पढ़ना है कि टेस्ट? तीन टॉपिक है अपने पास, सुनो जो मैं बेसिक टॉपिक बता दूंगा। एक तो है फैक्टराइजेशन, एक है फैक्टर्स टू डेसिमल्स, और एक है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। अब वोटिंग करते हैं, वोटिंग ठीक है? कितने लोग बोल रहे हैं पहला पढ़ना चाहिए? हाथ ऊपर करो अपने। 0। कितने बोल रहे हैं पढ़ाना चाहिए? हाथ ऊपर करो अपने। 0 हाथ हैं अभी। 1 अच्छा, 3 हाथ हैं। तुम वही कर रहे हो, तुम चीटिंग कर रहे हो फिर से हैं? एक ने कर दिया। हाँ 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 हाँ, मैं भी चीटिंग कर दियो तुम यार, चीटर हो तुम, चीटर। किसी का नहीं है। ओके, तो हम फैक्टर्स डेसिमल पढ़ते हैं, ठीक है? चले, वेरी गुड। जो भी अब तक पढ़ा है, किसी को कोई क्वेश्चन है क्या उसमें? नहीं। एकदम क्लियर है? हाँ। देखो ये तुम्हारा स्कूल नहीं है और मैं बहुत मन से पढ़ा रहा हूं, उसका मतलब ये है कि मेरा पर्पज ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो 100 बार पूछ लो, ठीक है? अब हमने डिसाइड किया है म्यूचुअली मिलके कि हम पढ़ेंगे फैक्टर्स टू डेसिमल्स। ये पढ़ते हैं अपन, फैक्टर्स टू डेसिमल्स। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको पता है कोई भी नंबर को जिसमें लिखा 1/2, इसको मैं डेसिमल में क्या लिखूंगा आपको पता है क्या? 1.2 हाफ। हाफ यहाँ पे हाउ विल आई राइट इन डेसिमल? पॉइंट फाइव। ये क्या हो गया? 0.25। ठीक है, तो क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू कि कैसे काम करता है। 1/2 का मतलब क्या है लॉजिकली? मतलब 1/2 का क्या होता है, अगर ये सर्कल है और ये सा सेंटर है, ये अगर मैं एक लाइन खींच दूंगा बीच में, तो ये पार्ट भी 1/2 है और ये पार्ट भी 1/2, ठीक है? इसी को डेसिमल में बोलते हैं 0.5, क्योंकि डेसिमल में हम क्या मानते हैं कि एक जो वन नंबर है वो पूरा नंबर है अपने आप, वन नंबर जो है वो पूरा है, तो उसको हम आधा कर देंगे क्या हो जाएगा 0.5, 1/4 कर देंगे क्या हो जाएगा। अब निकालते कैसे हैं इसको? निकालते 1/2 इंटू
टेन बाई टेन या फिर तो क्या हो गया 10/20। अब डेसिमल लगाने के लिए मैं क्या करना पड़ता है बच्चों, पता है आपको? Division. नीचे 100 आना चाहिए। नीचे क्या आना चाहिए? 100 या 10 या 1000। नीचे क्या आना चाहिए? नीचे 100, 10। उससे पहले एक काम करते हैं, अगर मैं बोला 2/10 तो 2/10 को मैं डेसिमल में कैसे बोलूंगा? 0.2। वेरी गुड। 2/100 को कैसे बोलूंगा? 0.02। बराबर है। तो इससे क्या पता पड़ता है कि जैसे हमको नीचे 10, 100, 1000 आना शुरू होता है तो हम उसका डेसिमल लगा लेते हैं बहुत आराम से। ये बताया ना हमको? ओके। इसको मुझे अगर 100 करना है नीचे तो क्या लेके आऊंगा नीचे 100 करने के लिए, बताओ? 100 भी छोड़ दो, एक काम करते हैं इसको और इजी करते हैं। लेट अस मेक दिस लिटिल मोर इजियर। ये 1/2 है तो डेसिमल में लाने के लिए वो, अगर डेसिमल निकालना है इसका तो मेरे को नीचे की डिजिट को 10 करना है या फिर 100 करना है। ये बात क्लियर है आपको? हाँ। तो अगर नीचे की डिजिट को 10 करना है मैं क्या किससे एंड करूंगा उस नंबर को, बताओ? कि नीचे का नंबर 10 हो जाए। 5। अगर 5 से नीचे करूंगा तो 5 से मैं ऊपर भी करना पड़ेगा। ये बात सही है कि नहीं है? हाँ। तो ये क्या नंबर हो गया? 5/10। अभी कैसे लिखेंगे डेसिमल इसको? 0.5। वही तो लिखा था मैंने यहाँ पे। क्लियर है? Yes. अब एक और गेम खेलते हैं, लेट्स डू 2/5। बताओ कैसे करेंगे इसको अपन, किससे इंटू करूं उसको मैं? 2 से नीचे और 2 से ऊपर, क्या हो गया ये? 4/10। अब क्या हो गया ये? 0.4। कितना इजी है। तो मतलब जो समझने वाली बात है वो ये है कि फ्रैक्शन और डेसिमल आपस में एक दूसरे के भाई बहन है। क्या है? भाई। एक को अपन लिखते हैं ऐसे ऊपर नीचे और एक को लिखते हैं पॉइंट लगा के, बस इतना ही फर्क है। दोनों का मतलब एक ही है, मतलब कि ये है कि अगर मैं सर्कल को बोलूंगा तो ये 0.5, ये 0.5 है और ये भी 0.5 ही है। तो जो लॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो यही है कि फ्रैक्शन और डेसिमल आपस में करस्पॉन्ड करते हैं, भाई बहन होते हैं, सबकी वैल्यू अलग अलग होती है, वो वैल्यू निकालते हैं ऐसे करके। तो एक तरीका तो ये निकालने का है। ठीक है, ये समझ में आ गया तरीका आपको कैसे किया हमने? Yes. तो, एक और तरीका क्या निकालने का इसको, जैसे मैंने बोला यहाँ पे, मैंने बोला 1/2 था ना, तो क्या करते हैं इसको, ये एक्चुअली क्या है, 2 से हम 1 को डिवाइड कर रहे हैं, ये तो मतलब हुआ इसका? यही मतलब हुआ ना इसका? Yes. अब क्योंकि मैं डिवाइड नहीं करता, ये नंबर बड़ा है, नंबर छोटा है, तो मैं क्या करूंगा? पॉइंट लगा दूंगा यहाँ पे। जीरो। यहाँ पे जीरो एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये पता, ये आपको, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको डिवीजन करना आता है। आता है। आता है ना? तो अब क्या हो गया? 2/5 = 10। ये हो गया आंसर अपना। तो ये एक्चुअली वही चीज है। तो 1/4 करते हैं अपन। जैसे 1/4 करूंगा अगर मैं क्या करूंगा, 4 को 1 से डिवाइड करूंगा, करूंगा ना, ये करूंगा ना। Yes. अब मैंने लगाया पॉइंट, इससे जीरो हो गया, तो क्या हो गया? 4 × 2 = 8। अब पता, अब दोबारा एक और जीरो आते हैं, अपन लगाते हैं ना जीरो दोबारा आगे करने, सॉल्व करने के लिए इसको। हाँ। तो व्हाट इज 4/5 = 20। खत्म हो गया सॉल्व, आंसर आ गया अपना। तो इससे भी निकाल सकते हैं अपन फ्रैक्शन से डेसिमल करना। क्लियर है? Yes. कोई क्वेश्चन है इसमें? नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत होशियार बच्चे हो तुम यार, बहुत जल्दी समझ आते हो हर चीज को। अब हम उल्टा कर लेते हैं बस डेसिमल फ्रैक्शन, फिर अपनी क्लास खत्म हो जाएगी इसके बाद। अब हम करते हैं डेसिमल टू फ्रैक्शन। अब उल्टा कर रहे हैं, पहले हमने क्या किया था? फ्रैक्शन से डेसिमल किया था, अब हम कर रहे हैं डेसिमल टू फ्रैक्शन। मतलब अब मैंने बोला मेरे पास नंबर है 0.5,
इसको बनाना है, कैसे बनाऊंगा फ्रैक्शन में इसको? तो ये फाइव तो लिख दिया मैंने ऊपर, ये एक पॉइंट है नीचे एक जीरो आ जाएगा, हाँ, एक पॉइंट का एक जीरो नीचे आता है ना और वन आता है साथ में, ये होता है ना, ऐसे होता है ना, हाँ, हाँ. उसको फाइव वन फाइव, फाइव टू टेन, दोबारा से वही आ गया वन बाई टू, आ गया कि ना आ गया, सेम जीरो पॉइंट टू फाइव है. अब करते हैं इसको सॉल्व. अब डेसिमल के बाद यहाँ पर दो डिजिट है, कितने डिजिट है? दो. 25 बाई क्या करूंगा मैं? 100. ये हो गया 1 बाई 4. ये तो किया था हमने पहले. Yes, yes. अब 0.4 करते हैं अपन. 4 बाई क्या होगा नीचे? 10. 10. 2 2 जर 4, 2 5 जर 10. ये तो था अपना 2 बाई 5. सिंपल है ना, बहुत मैथ्स बहुत सिंपल है बेटा. मैथ्स क्या सब कुछ सिंपल है, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, कुछ भी हो, सब सिंपल है, बशर्ते आपने उसको कॉन्सेप्ट से पढ़ा है और थोड़ी सी प्रैक्टिस की है, थोड़ा रिवीजन किया है, तो सबको सिंपल है. ठीक है, और करें थोड़े बहुत सवाल इसके. अब तुम मुझे बताओ करके. ठीक है, चलिए बताइए, 4/5 को डेसिमल में लिखो आप, बताओ करो सॉल्व इसको. सर 0.8. सबका हो गया है? यस. चीटिंग की आपस में? नहीं. कैसे किया बताओ मेरे को. फाइव क्या किया बताओ? फाइव से 4 को डिवाइड किया. ऐसे नहीं किया? नहीं किया. ऐसे भी कर सकते हैं ना, पता है ना तुमको. हाँ, दोनों कर सकते हैं, कुछ टेंशन नहीं है. जीरो लगा दिया, जीरो लगा दिया, 5 8 40, काम खत्म. ठीक है, अब करो 0.6 का फ्रैक्शन निकालो. और जब मैं फ्रैक्शन निकालना बोलता हूँ, मैं मुझे बोलता हूँ 3/5. तो क्या किया आपने? 6/10 किया हुआ, टेबल से कटा हुआ उसको, है ना, ये किया हुआ ना. ऐसे ही किया. बहुत ही बढ़िया बच्चे, वेरी गुड. अब करो 27/300 को डेसिमल में करो. करो भाई, क्या हो गया? अभी किसी ने निकाला नहीं होगा, चिट्ठी नहीं कर पा रहे तुम ना आपस में, कि किसी ने भी किया, कैसे करे अभी हम. करो करो करो. तुमने काटना शुरू किया उसको आपस में? किसकी टेबल से काट रहे हो उनको, दोनों को? थ्री. हाँ तो क्या हुआ, थ्री ऊपर क्या आएगा? ऊपर क्या आएगा? नाइन. नीचे क्या आएगा? हंड्रेड. तो क्या, व्हाट इज 100 डेसिमल, बताओ मेरे को. 0.09.
बस कितना आसान था, नहीं आसान? हाँ बच्चों आसान। ओके लास्ट सवाल करते हैं अपन, 0.65 को फ्रैक्शन में करो। थर्टीन बाय ट्वेंटी। वेरी गुड, तो हमको समझ में आ गया। हमने क्या पढ़ा हमने आज, क्विक रिवीजन, क्या क्या पढ़ा हमने आज? हमने पढ़ा व्हाट इज नेचुरल नंबर, व्हाट इज होल नंबर, व्हाट इज इंटीजर, व्हाट इज अ फ्रैक्शन, व्हाट इज अ रैशनल नंबर, व्हाट इज एन इवन नंबर, व्हाट इज एन ऑड नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर, how to convert fractions to decimals, how to convert decimals to fractions. Clear है? Yes. सबको समझ में आ गया आपको? Yes. Very good. अब कल क्या पढ़ना है बताओ मेरे को आप? कल भी मैथ्स पढ़ना है कुछ और पढ़ना है? और मैथ्स में पढ़ना है तो टॉपिक क्या पढ़ना है बताओ मेरे को, कि बेसिक तो कर लिया हमने आज सारा। सर, हाँ बेटा, आपके कंप्यूटर पे डेट 10 है, 9-10 चाहिए, 9-10 चाहिए, अगर 9-10 हाँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ मैं, अपने चैप्टर हो गया, बाद करते हैं अपन।